हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि आगे चल के तीन चार वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम, जैसे आपको पता है, हम आर्टिकल वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पार्ट वन और पार्ट टू देख लिया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट थ्री आज से, यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। ओके, सो फ्रेंड्स, ये है फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। यहाँ पे अगर देखें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें, तो फंडामेंटल राइट्स को मतलब रखा गया है पार्ट थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस रिगार्ड में जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने ये कहा था कि ये इंस्पिरेशन उन्हें कहाँ से मिली है। ये इंस्पिरेशन मिली है उन्हें यूएस के बिल ऑफ राइट्स से। यूएस में भी जो फंडामेंटल राइट्स है उसका कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। ओके, और पार्ट थ्री पूरे राइट्स देता है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर इलेबोरेटिव देन दोज ऑफ एनी वेयर एल्स इन द वर्ल्ड। अपने यहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट हैं और डिफाइंड है, रादर देन एनी अदर पार्ट इन द वर्ल्ड। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड। कि ये इनका नाम इसलिए फंडामेंटल राइट्स रखा गया है राइट्स का, क्योंकि ये गारंटेड भी हैं और प्रोटेक्टेड भी है। यहाँ एक शील्ड भी लगाई गई है और गारंटेड है, सभी को मिलना है जो भी इंडियन सिटीजन है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा, जो कि अटमोस्ट टॉप प्रायोरिटी इन द कंट्री है भारत में। ओके, सो हम अगर देखें तो ओरिजिनली सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स को रखा गया था। फिर बाद में एक फंडामेंटल राइट्स जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो आर्टिकल 31 के अंतर्गत थी, उसे हटा के आर्टिकल 300A के अंतर्गत रख दिया गया और इसे एक लीगल राइट घोषित कर दिया गया था फ्रॉम 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं जो राइट्स हैं वो कैसे रखे गए हैं फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट है जिसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी रखा गया है फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। ओके, फिर राइट टू फ्रीडम, ये रखा गया है 19 से 22 तक। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है 23 से 24। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है 25 से 28। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं 29 एंड 30 के अंदर। और राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि मैंने आपको बताया था पहले 31 के अंदर था, इसे रिपील करके इसे हटा दिया गया और डिलीट कर दिया गया और इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा एक लीगल राइट घोषित कर दिया गया अंडर आर्टिकल 300A ऑफ पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे लास्ट जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है और इसे भी भीमराव अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि दिस इज बेसिकली द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जहाँ पे अगर इफ एनी कंडीशन में अगर किसी सिटीजन को, अगर मान लीजिए किसी भी तरह का मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है स्टेट के द्वारा, स्टेट का मीनिंग यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है और यूनियन गवर्नमेंट भी है, तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत ये हाई कोर्ट भी अपील कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। अगर आपको मान लीजिए कुछ ग्लिचेज हो रहे हैं, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, हर एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे एलैबोरेटिव वे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आर्टिकल 12 की अगर बात करें तो यहाँ पे एक स्टेट का मीनिंग के बारे में बात कही जा रही है कि स्टेट का मतलब क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे हम स्टेट, राज्य वाले स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट हम कंट्री के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए अगर स्टेट कहीं पे लिखा गया है तो हम यहाँ पे कंट्री एज अ होल ट्रीट करेंगे इसे, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सभी को दी गई है। ओके, सभी को दी गई है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है बहुत ही इलैबोरेटिव और बहुत ही वास्ट है, ठीक है। तो अगर टर्म स्टेट की बात करें तो इस मतलब इसको डिफरेंट प्रोविजंस में यूज किया गया है कंसर्निंग टू फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली इसका यूज जो किया जाता है वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ही किया जाता है। अब स्टेट के अंतर्गत क्या आ जाता है? स्टेट के अंतर्गत आ जाता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे अपन, यूनियन और स्टेट दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे वो मतलब स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली हो या वहाँ के एग्जीक्यूटिव हो या वहाँ के लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हो, ठीक है। ऑल लोकल अथॉरिटीज, जैसे कि आपको पता है
73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत को भी ग्रास रूट लेवल पे मतलब रूल करने का मौका मिला, और वो जो कहा जाता है आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो उसके बाद इन्हें भी स्टेट के दर्जे के अंदर रखा गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो बनाए गए कंटोनमेंट एरियाज के मतलब साइड में जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट होते हैं वो भी, ऑल स्टैटूटरी एंड नॉन स्टैटूटरी बॉडीज लाइक ONGC, सेल एंड LIC कम्स अंडर द मीनिंग ऑफ स्टेट। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब अगर तीन चार ऑप्शन दे दिए कि SBI, ओके, ONGC, सेल और एक और मतलब कोई नाम दे दिया जाए महारत्न नवरत्न कंपनी का, तो सब सब इसके मतलब स्टेट के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते, तो यहाँ आपको थोड़ा सा मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ ये भी कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इवन अ प्राइवेट बॉडी, ठीक है, हु इज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉल्स अंडर द मीनिंग ऑफ स्टेट। या इसका मतलब ये है, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूनियन गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उस प्रोजेक्ट के लिए कोई थर्ड पार्टी या फिर उसकी कोई हेल्प कर रहा है कोई वेंडर, ठीक है, इस काम को करने के लिए जिसका अल्टीमेट होल एंड सोल जो मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो पार्टी भी या वो वेंडर भी या वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी फॉल कर जाएगा स्टेट के मीनिंग के अंदर, और वो भी उस समय किसी भी प्रकार की फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ समझने वाली बात सिर्फ इतनी ही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई भी प्राइवेट बॉडी या एजेंसी है जो कि एज एन इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए, तो वो भी फॉल करेगी मीनिंग किसके मीनिंग के अंतर्गत, वो है स्टेट के मीनिंग के अंतर्गत। तो ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं कि जहां पे आपसे दो तीन कंपनीज का नाम लिख दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि ये बताइए आप इसमें से कौन से स्टेट के अंतर्गत आता है कौन से स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है, तो वहां पे आपको डिसाइड करना है कि क्या स्टेट के अंतर्गत आता है या नहीं आता, ये सारे लॉजिक्स को लगा के। अगर वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लिंक्ड है गवर्नमेंट से तो वो स्टेट के अंदर आएगा, अगर वो कहीं से कहीं तक लिंक नहीं है तो वो स्टेट के मीनिंग के अंदर फॉल नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मतलब आर्टिकल 12 की बात जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट का डेफिनेशन यहाँ पे समझाया गया है। आप किसी भी बुक में देखेंगे तो स्टेट का मीनिंग डिफाइन किया गया है यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अगर अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, यानी वो सारे लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के रास्ते में आते हैं या बाधा बनते हैं वो सारे वॉइड हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड, वॉइड का मतलब नल एंड नलीफाइड हो जाएंगे वो। ओके, तो यहाँ पे किस डॉक्ट्रिन की बात कही जा रही है, उस डॉक्ट्रिन का नाम है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप किसी भी जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है या आप किसी भी लॉ या किसी भी एक्ट के द्वारा सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहां पे एक ऑप्शन रखा गया है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव से कोई गलती हो गई है, मान लीजिए कोई गलती होती है, ठीक है, तो उसके लिए आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं जहां पे उस पर्टिकुलर फैसले का एक जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। ओके, तो जो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 है वहां ये कहा गया है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ टू अब्रिज वन और मोर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड है कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में कि स्टेट, स्टेट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जहां पे किसी भी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। ठीक है, वन और मोर यानी एक भी नहीं, मतलब एक भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जहां पर्टिकुलरली एक भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो, एक से ज्यादा का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो इसी तर्ज पे जो पार्लियामेंट ने एनैक्ट किया था जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, तो वहां पे ये हुआ था विच अमंग द अदर थिंग्स अमेंडेड। ठीक है, उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में कुछ चीजें होंगी जो अमेंड करना चाहते थे। ठीक है, तो साथ ही साथ उन्होंने आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 को भी अमेंड कर दिया। ठीक है, तो यहां से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट चालू हुआ जहां पर डिफरेंट स्टेप्स आए यानी जुडिशरी के सामने भी, और जहां पर डिफरेंट डिफरेंट वर्डिक्ट्स और इंपॉर्टेंट केसेस में इन सारी बातों का डिस्कशन किया गया कि क्या ऐसे पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान ने पार्लियामेंट को दिए हैं और उसके अंतर्गत क्या वैसे आर्टिकल हैं जो ये मतलब अथॉरिटी देते हैं पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं एट टाइम्स। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट केस था वो था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1951। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मतलब जो सरकार है या फिर जो पार्लियामेंट है उनके पास दो टाइप के राइट हैं। ओके, एक होता है कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर है अंडर आर्टिकल 368 जहां पे वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और उनके पास एक और मतलब पावर है जिसको कहते हैं ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर अंडर
मतलब अंडर इसके नहीं है, मतलब इसके बाहर है, ठीक है, आउटसाइड आर्टिकल 368, यानी इसमें यहाँ ये कहा जा रहा था इस केस में कि पार्लियामेंट के पास दो पावर हैं जहां पे वो कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368, और उसके बाहर भी जो ऑर्डिनरी लॉस को बनाने के लिए अपने पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर बात को देखते हुए फिर एक और केस आया जहां पे भी इस मतलब पर्टिकुलर वर्डिक्ट को मतलब रखा गया, कि जिसका नाम था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में। यहां भी जो अर्लियर जजमेंट था उसे मतलब वैलिड करार दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और केस आया जहां गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 की बात, मतलब ये उस समय का केस है 1967 का। यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो प्रीवियस स्टैंड है वहां से थोड़ा सा डाइवर्ट होके ये कहा कि जो सरकार है, ठीक है, जो सरकार है उसके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाले पावर्स हैं। कौन से वाले पावर्स हैं? जहां पे वो लीगल लॉज बना सकती है, ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, और उनके पास मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पावर्स के बराबर हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो इसका मतलब यहाँ पे ये था कि हाँ, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के केस में ये कहा गया कि इस पर्टिकुलर जो पुराने जजमेंट से यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में ये जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की बात कही जा रही है, यहाँ पे सरकार के पास ऐसे कोई पावर्स नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 368 में ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक प्रोसीजर लिखा गया है कि आप ऐसे इसको अमेंड कर सकते हैं, रादर देन कि पावर्स दिए गए हैं, ठीक है। कोर्ट ने ये कहा था कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर लिखा गया है कि आप अमेंड कर सकते हैं, रादर देन वहां पे ये लिखा गया है कि मतलब वहां पे आपको पावर दिया जा रहा है, ठीक है, और जो सरकार है उसके पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ बनाने के पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 13, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो सरकार थी उसने क्या किया, उसके बाद उन्होंने उसको अमेंड किया, ठीक है। उसके बाद सरकार ने मतलब कैसे अमेंड किया, उसके बाद उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया जहां पे उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 368 का टाइटल है उसे चेंज किया, और वहां पे ये किया कि उन्होंने अपने आप को पावर्स दिए, ठीक है, प्रोसीजर के अलावा, जो प्रोसीजर तो पहले ही से ही था अमेंड करने का, उसके बाद सरकार ने वहां एक टर्म ऐड किया, तो पावर ऑल्सो एडेड टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अंडर आर्टिकल 368 सब क्लॉज 3 में ये भी स्टेट किया गया कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत जो भी चेंजेस लाए जाएंगे वो चेंजेस आर्टिकल 13 को एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। प्लस सब क्लॉज 4 में ये ऐड किया गया कि कोई भी चेंजेस अगर आर्टिकल 13 में किए जा रहे हैं, आर्टिकल 13 के तहत किए जा रहे हैं, तो वो आर्टिकल 368 के लिए अप्लाई नहीं किए जाएंगे। ये करा पूरा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जजमेंट के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी ये तीन मतलब जजमेंट की चर्चा। इसके बाद क्या हुआ, एक बहुत ही फेमस केस आया जिसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, जहां पे मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें चल रही थी, ठीक है। तो आप कैसे मतलब मतलब बेसिकली यहाँ जितना भी ये जो पंगा है, ये राइट टू जो प्रॉपर्टी था ना 31, उसको हटाने के बाद ही ये पूरा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स चालू हुए थे, ठीक है। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अपना ही पुराना जजमेंट को रूल करा, जहां पे उन्होंने कहा था कि अंदर आर्टिकल 368 के बाद ऐसा पास ऐसा कोई मतलब पावर्स नहीं है, वहां पे सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड है। तो केशवानंद भारती में ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को पावर्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, बट यहाँ पे कंडीशन है, बट ये पावर्स अनलिमिटेड नहीं है, ये पावर एक लिमिटेड सेंस में है। ओके फ्रेंड्स, ओके तो ये पावर्स जो है वो एक लिमिटेड सेंस में है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मतलब पावर्स लिमिटेड सेंस में है, ये इसलिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्योंकि
अगर आप मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ना कर दें, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ना कर दें। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, प्रोवाइडेड कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब छेड़े ना, यानी उससे कोई भी हस्तक्षेप ना करें, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से मतलब थिंग्स हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये एक इंटरप्रिटेशन है जो टाइम टू टाइम वेरी करता जाता है, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक बेसिकली मतलब क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, लेकिन हाँ कभी कभी ये अमेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है, कर दिए गए भी हैं, ठीक है। बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, उसके बाद सिक्योरिज्म, ओके, और जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, फेयर एंड फ्री का मतलब इलेक्शंस हैं, उसके बाद जितने भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गन्स है, सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब धीरे धीरे जब बातें बढ़ी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, तो ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल सिद्धांत, यानी बेस अपना, आप उसको छोड़ के कहीं कुछ भी करिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा वो बिल्कुल ही मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन आप बेस को मत टच करिए। अगर आपने बेस को टच किया या इसके साथ छेड़खानी करी, तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन गिर जाएगा, इन द सेंस पूरा का पूरी इमारत गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के जजमेंट में, कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट्स दिए हैं पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, जहां पे वो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये पावर्स जो हैं वो अनलिमिटेड नहीं है। ओके फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ था, जब ये वर्डिक्ट आया, केशवानंद भारती का वर्डिक्ट आया, उसके बाद सरकार ने क्या किया, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उस समय काफी टसल चल रहा था, ठीक है, उस समय काफी टसल चल रहा था बिटवीन जुडिशरी एंड जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, उसके बीच में काफी टसल चल रहा था। तो इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट में एक और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ऑफ 1976 का, जहां पे काफी चीजें ऐड और सबट्रैक्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो यहां पे आर्टिकल 368 के अंदर एक दो क्लॉज डाले गए, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5, ठीक है। तो क्लॉज 4 में यह कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो भी होंगे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, वो मतलब जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर होंगे, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज यह कहा गया था कि जो अमेंडिंग पावर है, अमेंडिंग मतलब पावर है ऑफ पार्लियामेंट का है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। मतलब जो पार्लियामेंट चाहे तो मतलब कुछ भी अमेंड कर सकती है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, और अगर उस अमेंडमेंट को आप जुडिशियल रिव्यू या कोर्ट में नहीं ले जा सकते, उसे चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली ये जो दो क्लॉज थे, इन्हें मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का एक जजमेंट था, वहां पे इसे नल एंड वॉइड करार दिया गया, यानी ये संविधान के खिलाफ है, जहां पे जो जुडिशियल रिव्यू है जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसको हैम्पर कर रहा है। कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि हाँ एग्जीक्यूटिव से भी गलती हो सकती है लॉ बनाते वक्त, तो उसे ये क्या कर रहे हैं, उसे ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं या फिर क्लियर आउट कर रहे हैं, किसके द्वारा, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। ये एक टूल है, ये एक बेसिक टूल है जो दिया गया, अगर आपसे गलती होती तो हाँ यहाँ भी एक चेक एंड बैलेंस है कि एग्जीक्यूटिव से या फिर पार्लियामेंट से भी गलती हो सकती है, फिर इसका जुडिशियल रिव्यू होगा जुडिशरी के द्वारा। तो इसे नल एंड वॉइड कराया दिया गया था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जहां पे मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे ये चीजें आगे बढ़ी और एट लास्ट जाके यहाँ पे ये इसका थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बंदिश लगाई गई और ये कहा गया कि हाँ अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं टू अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पाइट प्रोवाइडेड आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टच ना करें। ओके फ्रेंड्स, और बेसिक स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन है या मीनिंग है बहुत ही ब्रॉड है। ओके अब देखते हैं फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल 14 की बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 का जो टाइटल है वो है राइट टू इक्वालिटी, और यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जो लॉ की मतलब लॉ है वो सबके लिए समान है,
ठीक है, ये सबके लिए समान है, चाहे वो कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है, चाहे मध्यम वर्गीय हो, सबके लिए इक्वल है, ठीक है। लेकिन एट टाइम्स आपने देखा होगा कि अपने देश में मतलब जस्टिस डिलेड इक्वल्स टू जस्टिस डिनाइड, बहुत ही ज्यादा केसेस पेंडिंग रहते हैं और काफी लोगों के ट्रायल्स भी नहीं होते, तभी भी वो सजा वगैरह काट रहे होते हैं, उन्होंने कम से कम आधी आधी सजा पूरी कर लेते हैं और अभी तक उनका ट्रायल्स नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बेसिकली एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट किस सेंस में है, ये मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ कि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट उस सेंस में है कि जब मान लीजिए मतलब यहाँ पे सारे लोगों को एक तुल्य माना गया है डिस्पाइट ऑफ द पोजीशन, ठीक है, चाहे वो कितने भी बड़े हों कितने भी छोटे हैं या फिर वो किसी भी बड़ी पोजीशंस को मतलब अक्वायर किए हों, ठीक है, यहाँ सब इक्वल हैं, मतलब लॉ की नजर में सारे लोग इक्वल हैं, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव सेंस में क्यों हुआ, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो रैंक एंजॉयड बाय इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, हो सकता है उनको थोड़ा सा प्रिविलेज मिला जाए, देना चाहिए, क्योंकि पहले के जमाने में ये दिया जाता था, ठीक है, कि मतलब छोटे व्यक्ति को ही सजा पहले देती थी, बड़े लोग मतलब ऐसे कॉट फ्री हो जाते थे, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस में इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो सुप्रीमेसी है, ठीक है, ये जो सुप्रीमेसी है वो किंग की थी पहले, ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, लॉ को ही किंग बना दिया, ठीक है। पहले क्या होता था, राजा लोग लॉ बनाते थे और एट टाइम्स ये लॉ इनके लिए बाध्य नहीं होता था, लेकिन समय बदला तो क्या हुआ, इस लॉ को किंग बना दिया गया, ठीक है, इस लॉ को किंग बना दिया गया और ये लॉ सबके लिए समान है, चाहे वो किंग खुद क्यों ना हो। पहले किंग लॉ बनाता था, अब लॉ को ही किंग बना दिया गया, आप समझ रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट है अलग अलग। तो यहाँ पे जो लॉ है वही सुप्रीम है, तो उसके अंतर्गत ही सभी को आना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो किसी भी मतलब कैटेगरी का हो, सबके लिए लॉ सुप्रीम है। लेकिन कुछ जगहों पे ये भी कहा गया कि क्वालिटी बिफोर लॉ के अंतर्गत कि आप जो हेड है, हेड इन द सेंस जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट है, तो इनके खिलाफ कोई भी मतलब जो प्रोसीडिंग्स होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, वो आप नहीं करवा सकते या नहीं कर सकते, कब, जब ये टेन्योर में है अपने या ये किसी ऑफिस को एक्वायर किए गए हैं और वो ऑफिस होना चाहिए प्रेसिडेंट का या स्टेट गवर्नर का, ठीक है, तब इनके खिलाफ कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे कहा गया ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में, ठीक है। या फिर मान लीजिए इनके खिलाफ अगर कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी इशू है, ठीक है, या सिविल प्रोसीडिंग्स है, वो भी आप नहीं मतलब कर सकते, उससे पहले आपको एक 2 महीने का उनको एक नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें कोई भी चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब हम डिस्कस करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये दिया गया था एरिस्टोटल के द्वारा, ठीक है, और यहाँ पे ये कहा गया एरिस्टोटल के द्वारा कि मतलब जो एक जैसे लोग हैं उन्हें ही एक जैसा मतलब ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए लाइक आर नॉट ट्रीटेड एज अलाइक, मान लीजिए यहाँ दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, ठीक है, दोनों का ही स्टेटस एक ही है समाज में, इक्वल अर्निंग है, तो यहाँ पे इन दोनों के पास फेवर नहीं होना चाहिए, सरकार को या फिर लॉ को फेवर नहीं करना चाहिए कि वो इसको फेवर कर ले या इसको फेवर कर ले, ठीक है। तो लाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक, या एक जैसे व्यक्ति मतलब अलग अलग ट्रीट नहीं करना चाहिए, और अलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एट लाइक, ठीक है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अर्न करता है, ठीक है, ये इसका नाम है ए, और एक व्यक्ति बी है जो थोड़ा कम अर्न करता है, थोड़ा क्या बहुत कम अर्न करता है, तो यहाँ पे इन दोनों को भी लाइक ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि इस व्यक्ति को, ठीक है, आप इतने चांसेस दीजिए कि वो यहाँ तक आ जाए, इसको कम्पीट करे, और फिर इन्हें एज अ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए लाइक वाला ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ट्रीटमेंट सही नहीं है कि ये इस पोजीशन पे है, ये यहाँ पे है और इन्हें एक लाइक वाली कैटेगरी में ट्रीट किया जा रहा है। इस पोजिशन पे आने के लिए उसे इतने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कराइए आप, ताकि एक ही पोजिशन पे आ जाए दोनों जन, और फिर यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाए लाइक ट्रीट एज लाइक, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या फिट हो रहा है, अलाइक इज नॉट ट्रीटेड एज लाइक, ओके फ्रेंड्स। तो ये मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन ग्राउंड्स, ये बेसिकली उसी की तरफ अपन को ले जा रहा है कि जो इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी यानी किस सेंस में कि हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन दिया जा रहा है कि आप पढ़िए, ठीक है, आप मतलब रिजर्वेशन इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं दिया जाता भारत में, ये दिया जाता है सोशली सोशल टर्म्स में, मतलब आप कितने समय से मतलब बैकग्राउंड दर्जा था आपके पास या कितने समय तक आपका शोषण हुआ, उसके बाद ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। और रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से बेसिकली फ्रेंड्स ये है कि आपको उस लेवल पे ले जाया जा रहा है
जो कि आपने मतलब इतने समय से भोगा था, तो अब आपको इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि हाँ अब आप कम्पीट कीजिए अपने मतलब समाज में, अपने जगह में जहाँ पे आपको जो डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड कराया गया था या आप इतना समय से फेस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के अंदर मतलब ये भी कहा गया है कि जो हाँ कुछ लोग इतने टैलेंटेड नहीं होते, ठीक है, मतलब टैलेंटेड नहीं होते इन द सेंस कि मान लीजिए वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, रिसोर्सेज इन द सेंस मनी नहीं होता, मॉनेटरी सपोर्ट नहीं होता, बेटर एजुकेशन के लिए उनके पास उतने स्टफ्स नहीं होते, चाहे उनकी फैमिली हो चाहे, तो उसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराए या उनको इतनी चीज़ें प्रोवाइड कराए, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए ताकि वो मेन स्ट्रीम में आए और हाँ वो वहाँ पर कम्पीट करें और अपने आप को भी काफ़ी इंडिपेंडेंट समझ सकें। ओके फ्रेंड्स, चाहे वो एजुकेशनली हो चाहे वो मतलब कल्चरली हो, सारी चीजों में सरकार को थोड़ा आगे आना चाहिए, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का वो हो, एजुकेशन का मामला हो, रहन सहन हो, खान पीन हो, ठीक है, या फिर डिजीजेस से निपटना हो, ठीक है, तो इन सारी चीजों में इन्हें मतलब इन्हें आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। और किसे पुश करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा सरकार को। तो यही कहा है आर्टिकल 14 में कि राइट टू इक्वालिटी, कि हाँ हमें भी एक इक्वल दर्जा देना चाहिए सरकार को। ठीक है, ऐसा नहीं सरकार एक ही पर्टिकुलर किसी भी आप बोल दीजिए किसी भी समुदाय को फॉलो करते रह जाए या फिर उन्हीं उन्हीं को चीज़ें मतलब दे, जैसे कि रोड होता है, रोड का डेवलपमेंट होता है, सरकारी स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, तो ये सबके लिए बनता है। ऐसा नहीं होता सरकार वहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देती है ओनली हिंदूज आर अलाउड, ठीक है, या फिर ओनली मुस्लिम्स आर अलाउड और दिस रोड इज़ फॉर ओनली मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस या से क्या है ईसाई, जो भी, ये सब नहीं कहा जाता। ठीक है, ये रोड है मान लीजिए फॉर सबके लिए, यहाँ पे हर व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 15 में ये कहा गया है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड क्या क्या हो सकता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये छह बातें कही, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी कहा गया है। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, अब ये इसलिए कहा गया है कि जो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में इतने समय तक झेला कि हाँ मान लीजिए वो रोड पे जा रहे हैं और अगर मान लीजिए उनकी परछाई भी आ जाती थी तो यहाँ से अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण जा रहा है तो फिर वो अशुद्ध अपने आप को फील करने लगता है। तो फ्रेंड्स ये सब नहीं है, अब इस पर्टिकुलर 21st सेंचुरी में सब लोग एक साथ किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते हैं, किसी भी टेम्पल पर वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी कास्ट हो, किसी भी सेक्स का हो, या मतलब प्लेस ऑफ बर्थ या उसका बर्थ कहीं भी हुआ हो। ठीक है, लेकिन हाँ आज भी कुछ जगहें ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल साबरीमाला वाला जो इशू था, ठीक है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन था उसे हटाया, ठीक है, फॉर वुमेन्स फ्रॉम 10 to 50 की जो एजेस था उन्हें मतलब डीटी के दर्शन करने से पहले बैन था, लेकिन अब धीरे धीरे हटाया, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये फॉलो होता है, लेकिन हाँ ये धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पूरा देश चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे खत्म होगा और जरूर होगा। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब रिलीजन के टर्म में, चाहे आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में तो वहाँ आपके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, रेस के टर्म में नहीं हो सकता कि आप इस सिनेमा हॉल में मतलब मूवी देख सकते हैं या नहीं देख सकते, कास्ट के टर्म्स में नहीं होगा, सेक्स के टर्म में नहीं होगा और प्लेस ऑफ बर्थ के टर्म में अगर ये डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये आपकी फंडामेंटल या फिर मौलिक अधिकार का हनन है और इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर मान लीजिए इन सब चीज़ों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप डायरेक्ट जा सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पे जो है थोड़ा इनडायरेक्ट जाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट जाना पड़ेगा यानी पहले आपको मतलब पिटीशन लगानी पड़ेगी फिर उसके बाद आपकी इसमें सुनवाई होगी, यहाँ पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ओके, अब आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में ये कहा गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कही जा रही है जहाँ पे कुछ समाज का तत्व मतलब तबका ऐसा है जो कि अभी भी पिछड़ा है, ठीक है, और उन्हें मतलब अगर आप अच्छा एम्प्लॉयमेंट देंगे, अच्छा एम्प्लॉयमेंट देंगे इन द सेंस गवर्नमेंट सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कही गई, जैसा आप रिजर्वेशन देखते हैं कि मिलता है कब, ये आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। फिर आर्टिकल 17 के थे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज, जहाँ पे ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया कि अब भी ऐसी कोई मतलब छुआछूत के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा पूरे देश में या फिर ये फॉलो नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 18 के तहत अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और अकेडमिक्स। अकेडमिक्स का मतलब है जैसे आपके डॉक्टर की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, आप यूज़ कर सकते हैं और मिलिट्री के रैंक्स यूज़ करते हैं, रादर देन जैसे पहले राजा और महाराजा वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अब आप नाम के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पूरा आर्टिकल 14 to 18।
ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस पॉलिटी लेक्चर सीरीज को।